हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 से पाठ कर रहे हैं और हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी नारद मुनि को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञान दे रहे हैं और प्रकृति के विषय में बता चुके हैं कि कैसे प्रकृति का उत्पत्ति होती है, और अब स्वयं के विषय में बता रहे हैं कि वो कैसे प्रकट हुए। यदास्य नाभयत् नालिनात् अहम् आसम् महात्मना नाविदम् यज्ञ संभ्रारान् पुरुषाव्यवान् ऋषिरिते। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न थी। हरे कृष्णा। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उनके पास वास्तव में किसी भी क्रिया करने के लिए कोई वस्तु थी नहीं, क्योंकि सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान की नाभि से जो कमल निकलता है उसके ऊपर होती है। तो केवल वो महापुरुष के शारीरिक अंग, महापुरुष के शारीरिक अंग मतलब जो भगवान का दिव्य शरीर था वही वो देख पा रहे थे। वो कमल भी भगवान के शरीर से ही निकला था, उसके अलावा और कुछ भी वो वहां नहीं देख पा रहे थे। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि माता मादा तथा पिता नर के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है, किंतु प्रथम जन्मे हुए जीव ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि कमल श्री भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। अतएव ब्रह्मा भी श्री भगवान के शरीर के अंग है। प्रकट होने के पश्चात ब्रह्मा को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखा। उन्हें बेचैनी हुई और उनके हृदय में से श्री भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें, जिससे यज्ञ के अनुष्ठान हेतु सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात भगवान महाविष्णु तथा श्री भगवान के अंग से जन्मे हुए ब्रह्मा के अलावा वहां अन्य कुछ भी न था। यज्ञ के अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की, विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। पशु यज्ञ कभी भी पशु वध के निमित्त नहीं किया जाता, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञाग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो गया प्रतीत होता है, किंतु पट्टु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान कर दिया जाता है। जब ऐसा पट्टु पुरोहित उपलब्ध नहीं होता, तब यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदकशायी विष्णु के अंगों से ही तैयार की, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, किंतु श्री भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम् सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम् प्रवर्तते। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतएव मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। बता रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू क्यों है? क्योंकि उनके जन्म के लिए जिस प्रकार माता पिता एक साथ आते हैं और संतान की उत्पत्ति होती है, उस प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ब्रह्मा बिना माता के भगवान विष्णु के कमल के नाल से ही प्रकट हुए थे। और आगे बताया जा रहा है कि जब वो प्रकट हुए, यज्ञ इत्यादि के लिए तो सामग्री चाहिए, पशु चाहिए, इत्यादि चाहिए, तो वो सब ना था। तो कोई बोल सकता है कि अरे पशु बलि की बात क्यों हो रही है? पशु जब किसी यज्ञ में अर्पित किए जाते थे तो बूढ़े पशु को किया जाता था, और यज्ञ पूर्ण होने के तुरंत बाद उसे नवीन शरीर मिल जाता था। इससे यज्ञ संपन्न की पुष्टि होती थी कि यज्ञ ठीक प्रकार से हुआ कि नहीं। अब उस प्रकार के पुरोहित है नहीं, तो उस प्रकार से कलयुग में पशु बलि भी बंद बंद है। पशु बलि शास्त्रों में कलयुग में करना वर्जित है। आगे पढ़िए दीपिका माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो श्री भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है, किंतु सगुणवादी बड़ी ही कृतज्ञता के भाव के साथ श्री भगवान की पूजा श्री भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री का उपयोग करते हुए करता है। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगाजल से की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल मिलता है। श्री भगवान की पूजा भी श्री भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक जो स्वयं श्री भगवान का अंश है श्री भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है। एक और जहाँ निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह साक्षात श्री भगवान है, वही सगुणवादी अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक भक्ति भाव से श्री भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि श्री भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतएव भक्त प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की संपत्ति है। उसे कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता। यह एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में रत रहने में सहायक होती है। लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहता है और श्री भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। कि भगवान तो सब कुछ में है, तो आप भगवान को भगवान के ऊपर अर्पित क्यों कर रहे हो, इस तरह वो लोग तर्क देते हैं। लेकिन जैसे हम गंगा की पूजा करते हैं तो गंगा के जल से ही करते हैं। सूर्य को हम दीपक दिखाते हैं, लेकिन वह दीपक प्रकाश सूर्य से ही आता है। तो इस प्रकार से हर वस्तु भगवान से आती है, लेकिन ये प्रेम का लक्षण है कि भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में ही लगाता है। तेषु यज्ञस्य पशवा स्वनष्पत्य कुशा इदं च देवयजनम कलश चोरु गुणान्विता। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यज्ञ उत्साह को संपन्न करने के लिए फूल पत्ती कुशल जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ यज्ञ वेदी और उपयुक्त समय समय वसंत की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी वस्तुएं यज्ञ के लिए उपयुक्त सामग्री, यह सब की आवश्यकता यज्ञ करने के लिए है। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, यज्ञ इत्यादि करने की इच्छा हुई, लेकिन कोई वस्तु तो वहां पर थी नहीं। वस्तूनि औषधय स्नेह रस लोहा मृदो जलम ऋचो यजुंसि सामानि चतुर्होत्रम च सत्तमा। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं है पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने वाले चार पुरोहित। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम चार पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। एक आहुति करने वाला होता है, एक उच्चारण करने वाला उद्गाता, एक अग्नि को पृथक अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला अधुर्य तथा एक निरीक्षण करने वाला ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे, किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं। अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संतुति की गई है। शास्त्रों के आदेश है, हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्नाध्या। हरे कृष्ण प्रभु। यज्ञ को संपन्न करने के लिए अगर सामग्री हम जुटा भी लें, लेकिन चार पुरोहित बहुत आवश्यक हैं। सर्वप्रथम है होता, होता मतलब जो आहुति देता है। दूसरा उद्गाता, उद्गाता मतलब जो मंत्र उच्चारण करता है वेदों से। तीसरा है अर्धवायु, ये अग्नि को मंत्र उच्चारण से जलाता है। ये किसी माचिस से लाइटर से अग्नि नहीं जलाता है। और चौथा है ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब
ये चौथा ब्राह्मण है जो यज्ञ का निरीक्षण करते हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। तो ये चारों ब्राह्मणों की उपस्थिति में ही कोई प्रमाणित यज्ञ संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि उस प्रकार ब्राह्मण अभी हमको मिलते नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। नाम ध्येयानि मंत्रश्च दक्षिणश्च वर्तन वर्तानि च देवानुक्रमः कल्पः संकल्पश्च तंत्रमेव च। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तो हर मंत्र का हर देवता के प्रति आहुति होती है और ये सबको आवाहन करके बुलाया जाता है। शास्त्रों में उपयुक्त विधियां हैं, उन विधियों के अनुरूप ही यज्ञ संपन्न होता है। सुजाता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। ये मुख्य रूप से विशिष्ट स्वर के आरोह अवरोह के साथ ध्वनि का उच्चारण करने की प्रक्रिया पर निर्भर है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे यज्ञ कार्य पर प्रभावशाली नहीं रह गए हैं, न ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। ऐसा दिखावा किसी भी स्तर पर प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ सीमा तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकवादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति की प्रतीक्षा में है, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकता में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। फलतः भौतिकवादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है। चूंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्री भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की भगवान श्री चैतन्य ने संस्तुति की है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार जो भगवान की सेवा में यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, इनमें मंत्र उच्चारण शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार यह किए जाते हैं। लेकिन आजकल जितने भी वस्तुओं का पालन हो रहा है, जितने भी क्रियाओं का पालन हो रहा है, वह सब शास्त्र सम्मत नहीं होने के कारण वह त्रुटिपूर्ण है। और इसका एक और जो दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखते हैं कि भौतिकवादी लोग वही सुख प्राप्त करना चाहते हैं जो सब शास्त्रों में कर्मकांड में बताए हैं, लेकिन यज्ञ इत्यादि भी नहीं करना चाहते। वो अपने ही कृत्रिम रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहते हैं, इसीलिए उनका जितने भी प्रयास होते हैं त्रुटिपूर्ण होते हैं और आनंद से ज्यादा वो लोग कष्ट में गिर जाते हैं। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषा वयवरेते संभारा संभारा संभृता मया। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आह्वान से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार राष्ट्रीय तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। तो क्योंकि और कोई तो स्रोत था नहीं, एक ही दुकान वाला था सामान देने के लिए, वह भगवान स्वयं। तो उन्हीं से सामान सब जुटाया, उन्हीं की प्रार्थना की, सभी देवताओं को आहुति दी उनके निमित्त, क्योंकि सभी देवता उनके लिए ही कार्य करते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के साथ उनका यज्ञ संपन्न हुआ। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी, इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्तोत्र के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। परम भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य है, अतः वैदिक मंत्र अंतोगत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम के आध्यात्मिक
साम्राज्य में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य में प्रविष्ट होकर मनुष्य जीवन की को सफल बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण जी। इस प्रकार भगवान के शरीर से ही सारी वस्तुओं को प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने, तो ऐसे भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं? जो भगवान का आकार है, दिव्य शरीर है, उनकी आराधना करके भक्त भगवत धाम जाता है जहां भी हर वस्तु की विविधता है। तो निराकारवादियों को हर श्लोक में प्रभुपाद खंडन करते हैं। इति संभृत संभार पुरुषावय वयवैरहम तम एव पुरुषम यज्ञम तेना वायजम ईश्वरम। सागरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए समस्त सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसे भी पता पड़ता है सारे यज्ञों के भोक्ता, सारे यज्ञों को भोग करने की क्षमता केवल भगवान में है, और जितने भी यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं उन सबका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, सामान्य लोग सदैव मन शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस प्रकार प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम शांति मृच्छति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के असली भोक्ता तथा पालक है। वे यह भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोकों के परम स्वामी है तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र है। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्मयोगी को भगवान धीरे धीरे शुद्ध भक्त बना देते हैं और इस तरह वे भवबंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। इस भौतिक जगत के आदि जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। समस्त कार्य की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश का संपूर्ण मानव समाज हो। किंतु ऐसे यज्ञ को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। क्योंकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता है, अतएव समस्त यज्ञ द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सारा संसार, विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है, किंतु कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश भगवद्गीता में किया गया है। अतएव संसार में शांति नहीं है। यदि सारे लोग समुचित विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबों के सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। यज्ञ का मतलब केवल अग्नि का यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब है जहां हमारी ऊर्जा जा रही है, हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो यज्ञ है। गीता में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम सब यज्ञ करने में लगे हुए हैं, लेकिन समस्या क्या है, हमारी ऊर्जा हम लगा रहे हैं अलग अलग उद्देश्य में, कोई अपने शरीर में, कोई अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए, कोई देश की प्रसन्नता के लिए। लेकिन जिस दिन हम भगवान को केंद्र करके अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, अपनी सारी क्रियाएं करेंगे, तो वह कर्मयोग कहलाएगा और उसके माध्यम से व्यक्ति शांति मृच्छति, शांति प्राप्त करेगा। ततस्ते भ्रातराय में प्रजानाम पतयो नवा अयाजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हे पुत्रता पश्चात तुम्हारे नौ भाइयों ने जो प्रजापति है व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया है। हरे कृष्ण प्रभु। और बता रहे हैं केवल मैंने यज्ञ नहीं किया, लेकिन जो नौ प्रजापति ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, प्रथम वह तो मानस पुत्र थे, उसके बाद प्रजापतियों की सृष्टि हुई,
तो प्रजापतियों ने भी भगवान की संतुष्टि के लिए और अपनी शक्तियों का वर्धन करने के लिए यज्ञ इत्यादि किए। इस प्रकार यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जाता है और उनकी शक्ति प्राप्त करके उनकी सेवा में प्रजापति इत्यादि रत हुए। अनीता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं और अव्यक्त पुरुष में साक्षात भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक हैं, जबकि भगवान का प्रकट व्यक्तित्व दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा के परे है। इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अतएव आधुनिक मनुष्य की ढकी हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही अव्यक्त बने हुए हैं। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से योग्य न हो। फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वे प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटें और मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास न करें। आज भी ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आंखों से ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। तो कई बार लोग तर्क करते हैं कि इस प्रकार की जो बातें यहाँ पर हो रही हैं क्या वास्तव में हो सकते हैं, क्या इस प्रकार देवी देवताओं की उपस्थिति है, क्या भगवान है नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं अपनी बुद्धि से हम विचार करेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन शास्त्रों की मदद से हम ये सब तथ्य को समझ सकते हैं, जिसलिए शास्त्र चक्षु बोला जाता है, शास्त्र के चक्षु। ततश्चे मानव काले काले इजिरे ऋषयो परे पितरो विभूध दैत्या मनुष्य क्रतु भीर विभूम। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी मुनि मनुओं महर्षियों पितरों विद्वान पंडितों दैत्यों तथा मनुष्यों के ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रजापतियों से जो अलग अलग योनियों में जीवात्मा है, जैसे मनुष्य ऋषि पितर पंडित दैत्य मनुष्य इत्यादि, ये सब लोग इन्होंने भी भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ संपन्न किए। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान के भक्त एकनिष्ठ होते हैं, अर्थात वे श्री भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन रहते हैं। अतएव उनके पास भौतिक सुविधा मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। अपनी आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। हरे कृष्णा। हम देखते हैं प्राय सारे दानव देवताओं के उपासक होते हैं, जैसे हम जानते हैं रावण हिरण्यकश्यपु मेघनाथ कुंभकर्ण इत्यादि सभी ने देवी देवताओं को प्रसन्न करके शक्तियां अर्जित की थी। लेकिन भक्त एकनिष्ठ होता है, उसको भौतिक लाभ चले, वो केवल भगवान की एकांतिक भक्ति में लगा रहता है और भगवान उसका पालन करते हैं। नारायणाय भगवते तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोर्गुणा सर्गादावागुणा सुता। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एतर सारे ब्रह्मांडों को की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वयं स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। हरे कृष्ण दंडवत। ये सारी भौतिक प्रकृति भगवान की भौतिक शक्ति से चलायमान होती है, लेकिन भगवान उससे कभी भी आच्छादित कभी भी उसमें निर्लिप्त नहीं होते हैं। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य इस तरह नारद ने ब्रह्मा जी से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है, वे वास्तव में सृजन
पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है जो यथा समय पर सच रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हुए विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों से सदा परे रहने वाले हैं, कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है। इस प्रकार वह अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी खुद की देखरेख में होता है। भगवान धनियों में सबसे धनी है क्योंकि वे छहों बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत रहते हैं, अतएव उन्हें खुद कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन भौतिक संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश स्वयं घटती है, अतएव संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषयक निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण ही है और इस तत्व को ब्रह्मा जी ने स्पष्ट बताया क्योंकि वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा हैं। ब्रह्मा जी वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण है, अतएव इस विषय में उनका कथन सर्वोपरि जानकारी के रूप में है। हरे कृष्ण। जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है वो अपने नौकर चाकरों के माध्यम से अपने धन ऐश्वर्य प्रतिभा इत्यादि के माध्यम से कार्य करा सकता है, उसको सब जगह स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों मात्र से भौतिक संसार का संचालन करते हैं, वो स्वयं इसमें लिप्त नहीं होते। तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है, अच्छा तो फिर तीन गुणों का कौन संभालता है? तो फिर ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, हाँ भगवान फिर गुणावतारों के रूप में तीन गुणों को संभालते हैं और यद्यपि वो लिप्त नहीं होते लेकिन संभालने के लिए वो ये तीन गुण अवतार के रूप में प्रकाशित होते हैं। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशा विषम पुरुष रूपेण परिपाटि त्रिशक्ति दृक्। मंजू माता जी पढ़िए। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, किसी विनाश करते हैं और वे स्वयं अपने सनातन भगवत रूप में सबका पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों में शक्तिमान निमायक है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनकी इच्छा से ही मैं सृजन की सेवा करता हूँ, शिव जी विनाश की सेवा करते हैं और वो स्वयं ने भार उठा रखा है पालन का। तो ये तीनों का गुण अवतार के रूप में ब्रह्मा जी अब आगे बता रहे हैं। विनीत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वे वासुदेव श्री भगवान ही हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों एवं विस्तारों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती है। भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, जैसा कि श्रीमद भगवद गीता 7:19 में कहा गया है, वसुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव ही है। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया है। वेदों का कथन है, वासुदेवात परो ब्रह्मात्र चान्योर अर्थोस्ति तत्वतः। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और श्रीमद् भगवत गीता 7:7 में भगवान श्री कृष्ण उसी की पुष्टि करते हैं, मतः परतरम नान्यात, मुझ में श्री कृष्ण से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। इस तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है वह श्री भगवान की सगुणवादी भक्त द्वारा ही मान्य है। अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी अंतिम पुरुष स्वरूप को ही नहीं मानता, जबकि भक्त श्री भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व देता है। श्रीमद् भगवतम में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है, भगवान वासुदेव अद्वितीय है किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर श्री भगवान को तीन शक्तियों द्वारा त्रिशक्ति ध्रक सर्वशक्तिमान बताया गया है, अतः उनकी तीन शक्तियां हैं अंतरंगी ततस्था तथा बहिरंगी। इनमें बहिरंगी शक्ति सत्व रजो तथा तमो इन तीन गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार अंतरंगी शक्ति में तीन आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है, ये है संवित सन्निधि तथा हृदयनी।
तटस्थ शक्ति या जीव भी आध्यात्मिक है, प्रकृति विधवी में पराम, लेकिन जीव कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं होता। श्री भगवान निरस्त साम्य अतिशय है, दूसरे शब्दों में न कोई श्री भगवान के तुल्य है न उनसे बढ़कर। अतएव सारी हस्तियां जिसमें ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी श्री भगवान के अधीन हैं। भौतिक जगत में भी श्री भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव सहित समस्त देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर बताया है तीन प्रकार की भौतिक शक्तियों का कैसे कार्यशील होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के द्वारा, और आध्यात्मिक तीन शक्तियां हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, संवित शक्ति जो भगवान के धाम को बना करके रखती है, संधिनी शक्ति, संवित वास्तव में ज्ञान शक्ति है, संधिनी शक्ति जो पूरे आध्यात्मिक संसार को बना के रखती है, और आह्लादिनी शक्ति जो भगवान को आनंद प्रदान करती है। और इन दोनों शक्तियों अंतरंग और बहिरंगा के बीच में जीवात्मा है, जिसके पास दोनों विकल्प होते हैं कि अंतरंगा शक्ति के अधीनस्थ जाना है कि बहिरंगा शक्ति के अधीनस्थ जाना है। तो इस प्रकार उसको तटस्थ शक्ति बोला जाता है। तो इस प्रकार बहुत ही गहन यह विषय चल रहा है, सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़िए, और कल हम लोग श्लोक संख्या 33 से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्लोक प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।